चलिए अब देखिए 5 अगस्त को भगवान श्री राम का अलौकिक श्रृंगार कैसा होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला का पूजन कर रहे होंगे तब राम दरबार कैसा दिखेगा। देखिए रामलला के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और बाल हनुमान के स्वरूपों के श्रृंगार की तैयारियां कैसी है। अगस्त को भगवान का दिव्य दर्शन आस्था में डूबे भक्तों को रुला देगा। पांच अगस्त को श्री राम का अलौकिक रूप मंत्र मुग्ध कर देगा। अद्भुत छटा बिखेरेंगे श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान। पांच अगस्त को राम लला का नवरत्नों से श्रृंगार होगा। हरे रंग के वस्त्र धारण करेंगे भगवान श्री राम। भगवान राम के इन वस्त्रों में नवरत्न जड़े होंगे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान भी हरे वस्त्र पहनेंगे। रामलला की पोशाक की सिलाई अयोध्या का ही एक परिवार करता है। चार पीढ़ियों से ये परिवार भगवान की पोशाक सिल रहा है। पहले अयोध्या के टेलर बाबूलाल रामलला के कपड़े सिलते थे, लेकिन 1992 में उनके निधन के बाद उनके बेटों ने रामलला की सेवा करना शुरू कर दिया। अब भगवंत प्रसाद और उनके बेटे ये पोशाक सिलते हैं। हम लोग तो सन 50 पिताजी के साथ सन 85 से काम कर रहे थे और पिताजी को जाने के बाद हम दोनों भाई और लड़के रामलला की सेवा निरंतर करते आ रहे हैं। और इस समय अब की जो है पाँच अगस्त को मोदी जी आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री, ये भूमि पूजन करने वाले हैं और भूमि पूजन होगा। और पहले रामलला जी टाट में थे, अब धीरे धीरे ठाट में आ गए। अब स्वर्ण मंदिर के हिसाब से ये भव्य मंदिर बनने जा रहा है। बाबूलाल टेलर्स की दुकान भगवंत प्रसाद और शंकरलाल चलाते हैं। वो सिर्फ मंदिरों में देवी देवताओं के लिए कपड़े सिलते हैं। राम दल सेवा ट्रस्ट के कल्की राम ने 5 अगस्त के लिए भगवंत प्रसाद को रामलला की 2 ड्रेस का ऑर्डर दिया। एक ड्रेस हरे रंग की है और दूसरी केसरिया रंग की। 5 अगस्त को बुधवार है। बुधवार भगवान गणेश का दिन है। हरा रंग भगवान गणेश के साथ जुड़ा है। हरा रंग सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। रामलला की हरे रंग की पोशाक में केसरिया रंग का बॉर्डर होगा। आम तौर पर पोशाक को डिजाइन करने और तैयार करने में 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन इस बार पोशाक को भव्य रूप दिया जा रहा है। भगवान राम के अलावा तीनों भाई, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और साथ साथ हनुमान जी को भी ऐसी ही नई रत्न जड़ित पोशाक पहनाई जाएगी। इसके अलावा भगवान के अलौकिक श्रृंगार में और क्या क्या होगा ये सुनिए। मिलता है धन्य हो गया जीवन जिसने, धन्य हो गया जीवन जिसने राम से प्रीत लगा ली है। काशी विश्वनाथ के मंदिर से 1.25 पाव चंदन आएगा। काशी से चांदी के 5 बेलपत्र होंगे। भूमि पूजन में प्रयोग होने वाली सुगंध और औषधियां भी आ रही हैं। इसलिए हर भक्त को उस दिव्य मुहूर्त का इंतजार है जब राम लला के ऐसे अलौकिक दर्शन होंगे। देश भर के राम भक्त ये भव्य दर्शन कर सकें, इसकी भी फुल प्रूफ व्यवस्था है। देश भर में राम लला के इस दर्शन को LED स्क्रीन लगाकर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। आप अपने न्यूज नेशन पर भी भगवान के दिव्य दर्शन कर पाएंगे। टीम न्यूज नेशन। तो अयोध्या से जुड़ी न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। पल पल के अपडेट न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचा रहा है।
किस तरीके से तस्वीर बदल रही है अयोध्या की, ये हम आपको बताते हैं। और क्या कुछ तैयारियां लगातार अयोध्या में की जा रही हैं। 5 अगस्त को बेहद ऐतिहासिक और भव्य बनाने की कोशिश यहाँ लगातार चल रही है, और इसी के मद्देनजर दिन रात सजावट का काम चल रहा है। अयोध्या में सरयू घाट, राम की पैड़ी, बाईपास रोड पर लगातार पेंटिंग का काम चल रहा है, कुछ उसी तरीके से जैसे कि हम प्रयागराज में देख रहे हैं। जन्मभूमि से हनुमान गढ़ी मार्ग तक दीवारों पर लगातार पेंटिंग हो रही है। एक लंबा रास्ता है, दीवारों पर रामचरितमानस के प्रसंग लिखे जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीर 5 अगस्त को देखने को मिलेगी। अयोध्या की इन तमाम तैयारियों के बीच कोशिश यही है कि किस तरीके से पूरी अयोध्या की तस्वीर को बदल दिया जाए। घरों को पीले रंग से रंगा जा रहा है। 3 से 5 अगस्त तक बाकायदा दीपोत्सव होगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। अयोध्या और उसके आसपास के पूरे इलाके में बड़ी संख्या में जो दीपक हैं वो बनाए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जो तैयारी है वो बहुत तेज है। तैयारी 5 अगस्त के लिए है। 5 अगस्त को वो कौन कौन लोग हैं जो इस बड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे? पीएमओ से 200 खास मेहमानों की लिस्ट फाइनल कर दी गई है। ये आप मान लीजिए कि 200 मेहमान होंगे 5 अगस्त को इस जानकारी के मुताबिक, जिसमें से 50 साधु और संत होंगे। बाकी मेहमान कौन होंगे ये भी हम आपको बता दें, 50 राजनेता होंगे। ये माना जा रहा है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के भी प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंच सकते हैं। देखना होगा कि किस तरीके से सियासत आगे बढ़ती है। 50 राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े वो चेहरे होंगे जिन्होंने लगातार संघर्ष किया है, और 50 उद्योगपति और अधिकारी जो इस पूरी व्यवस्था को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं वो भी रहेंगे। और इन 50-50 मेहमानों को ही ध्यान में रखते हुए 4 अलग अलग ब्लॉक यहां पर बनाए जाएंगे। उन ब्लॉक्स के तहत ही पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। और देखिए जरा, ये भी एक अहम जानकारी है, 50-50 के ग्रुप में ही जो मेहमान हैं वो राम मंदिर पहुंचेंगे। तो सुरक्षा का भी यहां पर ध्यान रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन होगा क्योंकि कोरोना देश और दुनिया में लगातार कहर बरपा रहा है। किस तरीके से तस्वीर और ज्यादा बेहतर की जा रही है, हम चलते हैं सीधे अयोध्या। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, जो तमाम जानकारियां हैं वो लगातार न्यूज नेशन दर्शकों तक पहुंचा रहा है, और क्या कुछ अपडेट है? आप लगातार तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी और किस तरीके की हलचल आप महसूस कर रहे हैं? आप कई बार अयोध्या जाते रहे। जी बिल्कुल, अयोध्या की अगर हलचल की बात करें तो चारों तरफ हलचल है, और दो स्तरों पर हलचल दिखाई दे रही है। एक शासनिक प्रशासनिक स्तर पर, दूसरे ट्रस्ट के स्तर पर ये हलचल बहुत तेज है, और चारों तरफ उत्साह का माहौल है। जो ट्रस्ट की तरफ से व्यवस्था की जा रही है अगर उसकी हम बात करें तो सबकी वहाँ जो भूमि पूजन प्रधानमंत्री करने आएंगे तो उसकी तैयारियों में ट्रस्ट लगा है, और सभी तीर्थों के, जैसा मैंने पहले भी न्यूज नेशन ने बताया था कि सभी तीर्थों के जल आ चुके हैं। सप्त मृतिका आ चुकी है, सप्त सागर के जल आ चुके हैं, सिंधु जल आ चुका है। जो बनारस से आचार्य लोग आने वाले हैं वो 3 तारीख को यहाँ पर पहुँच जाएंगे, और यज्ञ 3 तारीख से ही, चूँकि जन्मभूमि पर शुरू होना है तो यज्ञ 3 तारीख से ही शुरू कर दिया जाएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को आकर उसका समापन करेंगे। तो शासनिक प्रशासनिक स्तर पर भी हो रहा, जैसा दर्शकों को बताया कि पूरे अयोध्या की तस्वीर को, छवि को बदल देने की कोशिश की जा रही है। चारों तरफ रंग रोगन हो रहा है, रामचरित को दीवारों पर उकेरा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि मेहमानों को जो बुलाया जाएगा उसके लिए खास तौर पर व्यवस्था की जा रही है। अलग अलग दीर्घा में उनको बैठाया जाएगा, तो अलग अलग दीर्घा में अलग अलग प्रवेश द्वार भी बनाए जा रहे हैं कि जिसे जिस दीर्घा में जाना है सीधे वहीं पर पहुंचे, ताकि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वो बरकरार रहे। जो ट्रस्ट की तरफ से साफ साफ कहना है कि जब वो कार्यक्रम हो रहा होगा, प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद जब होंगे तो वहां पे जितने लोगों की सूची में नाम होगी उससे एक ज्यादा व्यक्ति भी उस मौके पर वहां मौजूद नहीं रहेगा। बिल्कुल। दूसरी तरफ अयोध्या की बात करें तो यहां जो तमाम जो मठ मंदिर हैं वहां पे अभी से ही लड्डुओं को बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है, गीत संगीत का कार्यक्रम पहले से ही शुरू हो गया। चलिए लगातार आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अयोध्या में महा महोत्सव बस शुरू होने वाला है। 5 अगस्त को भूमि पूजन से पहले अयोध्या की दिव्यता देखते ही बनती है। ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या में त्रेता युग लौट आया है। अवधपुरी का हर घर श्री राम के रंग में रंगा है, और अयोध्या की दीवारें तक रामचरितमानस की चौपाइयां गा रही है। अयोध्यापुरी में राजा दशरथ के ऐसे ही भव्य महल में राम लला फिर खेलेंगे, फिर किलकारियां भरेंगे, और प्रभु के इस दर्शन के लिए अयोध्या में देवता भी कतारबद्ध होकर खड़े होंगे। जब महोत्सव इतना दिव्य और अलौकिक हो तो उसकी तैयारी भी मामूली हो ही नहीं सकती।
श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन से पहले अयोध्या में हर तरफ रामायण के प्रसंग दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या के हर प्राणी के रोम रोम में राम बसते हैं, लेकिन अब तो निर्जीव दीवारें भी रामचरितमानस की चौपाइयां गाने लगी हैं। पूरी अयोध्या सबसे बड़े मंगल कार्य के लिए तैयार है। 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री मोदी यहां आएंगे तो पूरी अयोध्या में त्रेता युग जैसी तस्वीर दिखाई देगी। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आने और भूमि पूजन करने के पहले अयोध्या को सजाने संवारने का दौर शुरू हो गया है। युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। अयोध्या में चारों तरफ मजदूर लगे हुए हैं, तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बांस बल्लियां लगाई जा रही हैं, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, सफाई अभियान को चलाया गया है और पूरे अयोध्या को पीले रंग में रंगा जा रहा है। यानी सड़क किनारे जितने भी मकान, दुकान या सरकारी प्रतिष्ठान हो या निजी घर हो, सभी को दीवारों को पीले रंग से रंगा जा रहा है। साथ ही तस्वीरें बनाई जा रही हैं ताकि अयोध्या नगरी में बिल्कुल धार्मिकता हर जगह से नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी जन्मभूमि के अलावा हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाएंगे, इसलिए साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी जाने वाले मार्ग के दोनों तरफ सभी भवनों की दीवारों पर त्रेता युग की झलक दिखलाते हुए रामचरितमानस के प्रसंगों की पेंटिंग से सराबोर किया जा चुका है। भगवान राम की बाल लीलाओं से लेकर अयोध्या में विजय पर्व मनाने तक हर लीला दीवारों पर सजीव हो गई है। जैसे कि ये देखिए, भगवान राम का बाल जीवन के ये चित्र है, इसको भी बनना है और ये चित्र साकेत महाविद्यालय के सामने लगभग 20 फीट ऊंची दीवार पे बनाई जाएगी। अच्छा। वहाँ जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी निकलेंगे तो उन्हीं के सामने पहली फोटो ये पड़ेगी वो। अच्छा। जी, उसके बाद में देखिए ये केवट का चित्र है, ये भी बनाया जाएगा। अयोध्या के जिन जिन रास्तों से 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरेगा, उसके दोनों तरफ के भवनों को पीले रंग से रंगा जा रहा है। बिजली के खंभों तक को पीले रंग से रंग दिया गया है, डिवाइडरों को पीले रंग में सराबोर कर दिया है, दीवारों पर रामचरितमानस के प्रसंग उकेरे गए हैं। यानी पूरा अयोध्या इस वक्त एक ही रंग में रंगा हुआ है और वो रंग है श्री राम की भक्ति का रंग और उनकी बाल लीलाओं का रंग। टीम न्यूज नेशन। कुल मिलाकर अयोध्या में राम नाम की गूंज है। जन्मभूमि के भूमि पूजन से पहले अयोध्या राम में रमा हुआ है। हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा ने विश्व गुरु राम दिनेशाचार्य से बात की तो उनके भक्तों ने राम नाम का समा बांध दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और हम अयोध्या में हैं। अयोध्या में आनंद है, अयोध्या में जश्न है और अयोध्या में लोग उत्सव मना रहे हैं और अयोध्या का ही रंग दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कमला दास जी मौजूद हैं और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं गायिका प्रकृति जी और साथ ही साध्वी सृष्टि लता रमाइनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कुछ साधु संत भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि प्रभु श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, भव्य मंदिर बनने जा रहा है। और महाराज जी, सबसे पहले आप प्रभु श्री राम के लिए कुछ कहना चाहते हैं, अयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए और पूरे देश के लिए, क्योंकि आप तो जगत गुरु हैं। हाँ, निश्चित रूप से 500 वर्ष के बाद ये सुखद दिवस आया है। भगवान श्री राम भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इतना लंबा संघर्ष और इतना बड़ा इतिहास, आज उसको पूर्ण होने का समय आया है। तो अयोध्या ही नहीं अपित पूरे विश्व में जहाँ भी राम भक्त निवास करते हैं, जहाँ भी सनातन धर्मी रहते हैं, मुझे लगता है कि उनके अंदर एक उत्साह, एक उमंग है और प्रत्येक व्यक्ति उससे जुड़ना चाहता है क्योंकि उसका लगाव है। यहाँ पर जब भी मंदिर के मुद्दे के लिए लोगों के सहयोग की बात आई है तो भारत ही नहीं अपित विश्व में जितने भी राम भक्त निवास करते हैं उन सब ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया है। आज मुझे लगता है कि इतने दिन तक टाट में रहने वाले भगवान श्रीराम को आज उनका भव्य और दिव्य मंदिर मिलने जा रहा है तो अयोध्या के साथ पूरी प्रकृति और पूरी सृष्टि और पूरी समष्टि मुझे लगता है आनंद और उत्सव मना रही है कि त्रिलोक का स्वामी आज अपने महल और अपने घर में प्रवेश करें। कोई चौपाई, कोई श्लोक हो जाए।
सी राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। निश्चित रूप से आज कणकण में जो व्याप्त परमात्मा है और जगत का जो ईश्वर है, वो जो दूसरे को अपना स्थान देने का भवन देने का काम करते थे, आज वो मंगल भवन अमंगल हारी वो परमात्मा स्वयं अपने दिव्य भवन में विराजने जा रहे हैं। मुझे लगता है इससे अच्छा उत्साह और उमंग का दिवस दूसरा नहीं हो सकता।